व्हाट्सअप यूट्यूब की दुनिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हमारा थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया क्योंकि ये मैं इस दिन की ATK की दूसरी वीडियो निकाल रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमिलियानो अल्फारो ने रप्चर कर ली अपनी एचिलीज, और अब जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है, जायंट स्ट्राइकर कमिंग टू ATK। जी हाँ दोस्तों, तो ATK ने एमिलियानो को भी रिप्लेस कर दिया है, और उन्हें रिप्लेस किया है ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर एली बैबलेट से। तो गाइस, मुझे इस ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर के नाम की एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन नहीं पता, अगर आपको पता है तो मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिए। एली मैं समझ गया, ELI और BABALJ बैबलेज, कुछ ऐसा नाम है इनका। तो मैंने इनको जायंट स्ट्राइकर इसलिए कहा है क्योंकि इनकी कद काठी 6 फुट 5 इंच की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 6 फुट 5 इंच के ये स्ट्राइकर है, जिसका मतलब ये है कि अब ATK के अगेंस्ट जो भी डिफेंस आ जाए, मतलब जो किसी भी टीम का डिफेंस आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें मार्क कर पाएगा ठीक से डिफेंडर, क्योंकि अभी तक इंडिया में इतने वेल बिल्ड डिफेंडर्स नहीं खेले हैं। और साथ ही साथ अब स्टीव कॉपेल की स्ट्रैटेजीज काम करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि बैबलेट एक बहुत लंबे स्ट्राइकर है जिसकी वजह से वे काफ़ी ख़तरनाक हेडर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ATK की स्ट्रैटेजी है क्रॉसिंग फुटबॉल खेलने की, यानी कि विंग्स पे जाके क्रॉस मारने की, तो बैबलेट एक बहुत ही ख़तरनाक हेडर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम डिफेंडर्स होंगे ISL में जो बैबलेट को मार्क कर पाएंगे। तो इसलिए बैबलेट काफ़ी ज़्यादा गोल्स क्रॉसिंग से स्कोर करने में समर्थ हो सकते हैं ATK के लिए, और मैं आशा करता हूँ बैबलेट का डेब्यू जल्द से जल्द ATK की जर्सी में हो और वे बहुत सारे गोल्स हमें दिखाए, एंड ही ब्रिंग्स द ग्लोरी बैक टू कोलकाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।